आप जो है वो अपने आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं एम आई बैंड के बारे में, कि आप जो है वो अपने एम आई बैंड को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, या फिर जब वो अगर आपके एम आई बैंड में टाइमिंग वगैरह गलत है, टाइम सही से सेट नहीं है, तो कैसे जो आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जान सकते हैं इसके बारे में, और अपनी बाकी चीज़ें भी जो वो ट्रैक कर सकते हैं मोबाइल से कनेक्ट करके। तो मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ खास नहीं करना, अपने प्ले स्टोर में जाना है अपने मोबाइल के, और वहाँ पर जो आपको लिखना है एम आई फिट। तो यहाँ पर एम आई फिट दिखा रहा है आपको, आप जो वो एम आई फिट पे जाओ, चले जाइए यहाँ पर जाओ, एम आई फिट ऐप को क्लिक करके इंस्टॉल जो आप कर लीजिए। जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं आपके सामने जो डाउनलोडिंग स्टार्ट होती है, कुछ सेकंडों के अंदर जो डाउनलोड हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा आपकी इंटरनेट स्पीड पे। तो अभी आपके सामने जो वो इंस्टॉलिंग चल रही है ऐप की, और जैसे ही ऐप जो आपका कंप्लीट इंस्टॉल हो जाता है आपको, जैसे हम दिखाने वाले हैं, यहाँ पर जब आपके सामने ओपन का बटन अपीयर होगा, तो आप जो इस ओपन के बटन पे क्लिक कर दीजिए। ओपन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे जो कुछ टर्म एंड कंडीशंस को जो वो कहा जाएगा कि आपके जो वो डिटेल्स कुछ कुछ जो वो पॉलिसीज़ को एग्री करना पड़ेगा, तो आप जो इस पे क्लिक कर दीजिए डॉट पर, और एग्री पे जो आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको अपने एम आई अकाउंट में जो लॉगिन करना होगा, नहीं है तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, मी अकाउंट जो आप ऑप्शन पे क्लिक जो कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने ऑथेंटिकेशन चलेगी, और आपको जब साइन इन करने के लिए कहा जाएगा, आप साइन इन पे क्लिक कर दीजिए। आपके सामने कुछ सेकंड का प्रोसेस रहेगा, और उसके बाद जब आपका अकाउंट सेटअप साइन इन हो जाएगा। इसके बाद बात आती है आपको कनेक्ट करने की, तो आप जब गॉट इट पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर जब आपको अलो कर देना है जो भी परमिशन आपसे पूछी जाए। यहाँ पर जब आपके सामने ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए कहा है, तो आप जब इसको ऑन कर दीजिए। ओपन होते ही ऐप के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा नो पेयर्ड डिवाइसेस, आपको कहा जाएगा टैप टू पेयर डिवाइस। तो यहाँ पर जब आपसे पूछा जाएगा कि आप किसको जब वो पेयर करना चाहते हैं, उस सेलेक्ट कीजिए चीज़ को, तो हम जो वो बैंड को पेयर करना चाहते हैं, तो बैंड पे जो वो क्लिक कर देते हैं। कहा जाएगा फॉलोइंग डेटा विल बी कलेक्टेड आफ्टर पेयर द डिवाइस, तो काफ़ी सारी आपकी डिटेल्स जो वो यहाँ से ली जाएगी, स्लीप टाइम, एक्टिविटी, हार्ट रेट वगैरह आपके बैंड के ज़रिए। तो आप जो वो यहाँ पर ओके कर दीजिए। उसके बाद आपके जो वो बैंड को बिल्कुल नज़दीक रखना है अपने फ़ोन के, तो यहाँ पर जो वो सर्चिंग चल रही है आपके बैंड की कनेक्ट करने के लिए, तो आपको जो वाइब्रेट कर दिया जाएगा इस ऐप के इसके अंदर बैंड के अंदर भी। अब जहाँ पर जब आपको कहा जा रहा है कि आप जो इस पे क्लिक कर दीजिए, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे सही का आइकन आ जाएगा और पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इस तरह से पेयर जो वो आसानी से हो जाएगा आपका एम आई बैंड। पेयरिंग चल रही है, कुछ सेकेंडों के अंदर जो वो पेयर हो जाता है, सक्सेसफुली पेयर हो चुका है। यहाँ पर जो वो आपके सामने फ्रमवेयर अपडेट का जो वो ऑप्शन आएगा, यहाँ पर फ्रमवेयर अपडेट होगा, आपको जब अपने बैंड को अपने फ़ोन के बिल्कुल पास में रखना है, दूर बिल्कुल भी नहीं ले जाना है, ताकि फ्रमवेयर जो वो आसानी से अपडेट हो जाए। आपकी डेट वगैरह, टाइम वगैरह जो भी है, सारी डिटेल्स अपने आप सेटअप हो जाएगी इसके बाद। इसके बाद आप बाकी चीज़ें भी जो देख सकते हैं, इनकमिंग के लिए आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप ऑन ऑफ जो है वो कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बैटरी कितनी है आपके बैंड की, और बाकी सारी डिटेल्स भी जब आपको मिल जाती है, यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारियाँ जो आपको मिल जाएगी, कितनी बैटरी है, हार्ट रेट क्या है आपका, स्लीप टाइमर वगैरह, और क्या क्या जो आपको इसके अंदर जानना चाहते हैं, प्रोफाइल में जाकर के आप इस तरह की जानकारी जान सकते हैं, कौन सा बैंड है, बैटरी जो आपकी 92% है इस समय ऐप इसकी, और बाकी सब जो आप जानकारियाँ पूरी ले सकते हैं, वेकअप वगैरह, कॉल नोटिफिकेशन वगैरह आपको आए या ना है। तो इस तरह से आप आसानी से अपने एम आई बैंड को जब वो कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, जो आपके मोबाइल फ़ोन में टाइम वगैरह होगी, सारी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ से चेंज जब वो कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो चेंज करना। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब बटन दबा करके घंटी के आइकन को दबा लीजिए, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जान सके कैसे पेयर कर सकते हैं एम आई बैंड को एम आई मोबाइल या फिर किसी भी मोबाइल से।